इतना बड़ा अनर्थ कैसे किया तूने? दुष्ट का रुक, मैं तुझे श्राप देता हूँ। ऋषिवर का ध्यान भंग हो गया। ऋषिवर के मुखमंडल पर क्रोधाग्नि स्पष्ट दिखाई दे रही है, कदाचित इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। दुस्साहसी काग, मेरा ध्यान भंग करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? दूर हटो यहाँ से। मैंने कहा ना, दूर हटो मेरे कमंडल से। मुझे शीघ्रता से नहीं, अभी तो बुद्धिमानी से कार्य लेना होगा। इस काग का इतना दुस्साहस, मेरे कमंडल का जल पीने को आतुर है। मेरी चिंता सत्य ना हो जाए, कहीं क्रोधावश ऋषिवर गणेश को दंडित करने के लिए उसे श्राप ना दे दे। गणेश, ऋषिवर को और क्रोधित मत करो, इसी पल लौट आओ, मुड़ जाओ वहां से। प्रभु संकट में है। नहीं नहीं, मुझे उनकी सहायता के लिए कुछ करना होगा। क्षमा कर दीजिए प्रभु, मेरे पांव तो ऋषि अगस्त के भय के कारण जड़ हो गए हैं, आगे ही नहीं बढ़ रहे। जी, मैं सुरक्षित हूँ, कुशल भी हूँ। जो हुआ उसमें ऋषिवर का कोई दोष नहीं है, वो तो मात्र अपना कमंडल सुरक्षित करने के लिए अपने हाथ से मुझे दूर करने का प्रयास कर रहे थे, और उनका हाथ मेरे पंख पर लग गया, जिससे मैं दूर आकाश की ओर चला गया। सुरक्षित है मेरे पुत्र गणेश। प्रभु, मेरी विनती स्वीकार कीजिए, यहाँ से लौट चलिए। महादेव, माता पार्वती, कुमार कार्तिकेय से विचार विमर्श कर प्रभु माँ लोपा मुद्रा को नदी रूप में प्रवाहित करने की कोई और युक्ति सोचनी होगी हमें, किंतु अब हमारा यहाँ रुकना उचित नहीं। ऋषिवर के क्रोध से पार पाना कठिन है प्रभु। व्यर्थ चिंता कर रहे हैं सभी, गणेश अपना दायित्व निभाना भली भांति जानता है, वो इस संकट का भी हल अवश्य ढूंढ लेगा। अब दूर हट गया वो काग, पुनः ध्यानस्थ होता हूं मैं। नहीं मूषक जी, अपना उद्देश्य पूर्ण किए बिना हम यहां से कदापि नहीं लौटेंगे। स्थिति विकट है, ऋषि अगस्त्य का क्रोध सर्वज्ञात है, किंतु कठिनाई से भयभीत होकर हम पीछे भी नहीं हट सकते। मूषक जी, जब तक माँ लोपा मुद्रा कावेरी नदी के रूप में ऋषिवर अगस्त्य के कमंडल से बाहर नहीं आ जाती, मैं यहाँ से नहीं लौट सकता, चाहे इसका कुछ भी परिणाम हो, वो स्वीकार है मुझे। और इसलिए मैं पुनः प्रयास करने जा रहा हूँ मूषक जी।
पुनः आ गए काग, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो मेरे करंडल से। तुम्हें अपनी सुरक्षा की तनिक भी चिंता नहीं, इस बार और भी भयंकर परिणाम होगा। दूर हटो, दूर, दूर हटो। काग, तुमने मेरी चेतावनी सुनी नहीं? दूर हटो यहां से। हटो, हटो। मेरे कमंडल को स्पर्श भी किया तो उसका भयंकर दुष्परिणाम भुगतोगे तुम। हटो यहां से, जाओ। मेरा कमंडल। उद्दंड काग, इस कमंडल को सुरक्षित स्थान पर रखते ही तेरी उद्दंडता का कठोर दंड दूंगा मैं। मेरे कमंडल पर स्थित होने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? हट जाओ यहां से, हट। काग हट ही होते हैं ये तो सर्व ज्ञात है, किंतु तुम्हारा हट साधारण नहीं है। इतना साहस तो कोई साधारण काग नहीं कर सकता। मुझे क्षमा करें ऋषिवर, किंतु इस कमंडल को तो गिराना ही होगा, और इसे गिराएंगे आप। तुम्हारा मेरे कमंडल पर स्थित होना उचित नहीं है। हट, 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 हट। माता, आप कमंडल से बाहर आइए। हाँ माता लोपामुद्रा, आपके स्वामी अगस्त्य ऋषि अपने हाथ से आपको प्रवाहित होने का संकेत दे रहे हैं। आप अपने जल को प्रवाहित कीजिए माता। प्रणाम माता लोपामुद्रा। इतना बड़ा अनर्थ कैसे किया तूने? प्रभु, अब ऋषिवर के क्रोध से अपनी रक्षा कैसे करेंगे आप? दुष्ट काग, रुक, मैं तुझे श्राप देता हूँ।
ऋषिवर का क्रोध अपने चरम पर पहुंच चुका है। ऋषि अगस्त्य वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणाम प्रभु महागणपति। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश। मेरी ही प्रेरणा से जग कल्याण हेतु गणेश ने आपके कमंडल में बाधित नदी को मुक्त कराकर उन्हें प्रवाहित किया। प्रभु मोहवश कितनी बड़ी भूल कर बैठा मैं, जन कल्याण में बाधित बन बैठा, नियति को बाधित किया मैंने, और ये भी ना समझ सका कि काग रूप धारण कर प्रथम पूज्य गणेश स्वयं मुझे उचित कर्म करने का संकेत दे रहे हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कीजिए महागणपति, क्षमा करे प्रभु। मैं बहुत लज्जित हूं प्रभु, बहुत लज्जित हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। एक ऋषि एक तपस्वी होकर आसक्तिवश मैं अपने को मुक्त नहीं कर सका। सदा जन कल्याण मेरा उद्देश्य रहा, किंतु आसक्तिवश मैं ही उसमें बाधा बन गया। सबको सुख पहुंचाने वाली, धरती को जल से सींचने वाली नदी को मैंने रोक रखा। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे प्रभु, बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा करे परम पूज्य गणेश जी। मेरी भूल पर हंस रहे हैं प्रथम पूज्य गणेश, उचित है, कदाचित ऐसी भूल का यही उचित परिणाम है। ऋषिवर आप अभी ये जो कर रहे हैं उसे देखकर मुझे उस समय का स्मरण हो आया जब मामा श्री हरि नारायण ने मेरे समक्ष उठक बैठक कर मुझे हंसाया था। इसलिए मैं ये विधान करता हूँ, आज से जो भी मेरे समक्ष ये दोनों क्रियाएं करेगा मैं उसकी सभी धर्मोचित मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण करूंगा। और ऋषिवर आप भी मुझे क्षमा करें, मेरा आशय आपको दुख पहुंचाने का कदापि नहीं था। भूल तो मुझसे हुई थी, मेरे द्वारा सागर जलपान से ही यहाँ सूखा पड़ा था। उसी सूखे की समाप्ति के लिए नदी प्रवाहित करना चाहता था, किंतु पत्नी प्रेम वश में मैं स्वयं बाधा बना। ये भी भूल गया कि लोपामुद्रा का जन्म दक्षिण के अकाल को समाप्त करने के लिए ही हुआ था। किंतु अब तो भूल का सुधार भी हो चुका है, देखिए ना ऋषिवर, अब तो नदी प्रवाहित भी हो रही है। इतना पावन जल, इतना स्वच्छंद बहाव, धन्य है, धन्य है।
प्रभु जल प्रभु कृपा कीजिए जल ये मेरा व्रम है या वास्तव में जलधारा की ध्वनि परमानंदे गुरु करुणामय कातर वंदे तव तट निकटे यस्य निवास खलु वैकुंठे प्रभु आप धन्य हैं आपने मेरी प्रार्थना सुन ली इस नदी के जल ने तो हमें तृप्त कर दिया अब हम अपना जीवन यापन करने में समर्थ हैं जल से परिपूर्ण हो गया हमारा जीवन अब कोई कमी नहीं है हमारे जीवन में इस जलधारा ने तो हमारा जीवन ही सुखमय बना दिया धन्य है कावेरी नदी धन्य है विघ्नहर्ता गणेश जी जिन्होंने मेरे मोहपाश को मिटाया मेरे सत्कर्म के मार्ग में आए विघ्न को दूर किया लोपा मुद्रा को कावेरी नदी के रूप में मुक्त किया माँ लोपा मुद्रा का कावेरी नदी के रूप में प्रवाहित होने से मेरा कार्य संपन्न हुआ अब दक्षिण में कभी जल का अभाव नहीं रहेगा देखा स्वामी जो कोई नहीं करना चाहता था जो कोई नहीं कर सकता था वो हमारे पुत्र गणेश ने कर दिखाया घटनाओं के इस क्रम ने मुझे महादेव के समक्ष अपनी चिंता व्यक्त करने का अवसर नहीं दिया किंतु अब सभी के यहाँ से प्रस्थान के बाद मैं उन्हें अपनी दुश्चिंता के विषय में बताऊंगा कदाचित अभी उसमें विलंब नहीं हुआ है मनोरंजक है तुम्हारी क्रीड़ा किंतु इसका अंत तुम्हारे अंत के साथ ही होगा क्योंकि सर्वश्रेष्ठ जलंधर से किसी का बच पाना असंभव है Yeah!
शक्ति और युक्ति का प्रयोग यदि लोक कल्याण के लिए किया जाता है तो उसकी सराहना होती है, किंतु उसका प्रयोग यदि स्वयं के स्वार्थ और किसी को आहत करने के लिए किया जाए तो स्वयं के लिए घातक हो सकता है। जब महादेव के विरुद्ध होगा खड़ा स्वयं शिव का ही अंश तीनों लोक में होगा, तब भीषण विध्वंस। मैं अंश नहीं, अंत तुम्हारा महादेव। जब शिव की शक्ति तक हो खुद के विरुद्ध नाकाम तो विघ्न दूर कर सकता है केवल एक ही नाम, विघ्नहर्ता गणेश। देखिए अगले हफ्ते की कहानी में।